वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के लघुत्तरी प्रश्न लेके आया हूँ, प्रश्न नंबर 7, जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद अथवा मैं आपसे पूछ रहा है कि प्रतिस्पर्धा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चाहे प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं आपसे ये पूछा जाए, या प्रतिस्पर्धा से क्या तात्पर्य है आपसे ये पूछा जाए, दोनों कंडीशन में आपको आंसर यही देना है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा विघटनात्मक प्रक्रिया का ही एक स्वरूप है। प्रतिस्पर्धा जो है हमारी वो विघटनात्मक प्रक्रिया का ही एक स्वरूप है। प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिस्पर्धा जो है वो कह रही है कि इसमें दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है, या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिस्पर्धा। इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी अपने अपने स्तर से अधिक परिश्रम करके प्रगति करने या आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता शब्द अंग्रेजी के कंपटीशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रतिस्पर्धा है या प्रतियोगिता है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है एक साथ सामान्य उद्देश्य या वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न, जबकि इस प्रयत्न में केवल एक ही व्यक्ति सफल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स ने कहा कि प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के चुनौतीपूर्ण प्रयत्न को कहते हैं जो इतनी मात्रा में नहीं होती जिसमें मांग की पूर्ति हो सके। बोगार्ट्स ने कहा कि प्रतिस्पर्धा जो है वो किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के चुनौतीपूर्ण प्रयत्न को कहा है उसने जो इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मांग की पूर्ति हो सके। बीसेंज के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास है। ठीक है, जबकि वस्तु इतनी सीमित है कि सभी उसके भागीदार नहीं हो सकते। ये किसने कहा, बीसेंज ने कहा। इसके बाद सदरलैंड, वुडवर्ड और मैक्सवेल के अनुसार सीमित संतुष्टियों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के समूहों के मध्य होने वाले अव्यक्तिक, अचेतन तथा निरंतर संघर्ष को ही प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, क्योंकि इन संतुष्टियों को सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सीमित वस्तुओं के उपभोग, उपयोग या अधिकार के लिए व्यक्ति या समूह प्रयत्न करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। ठीक है, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।